साल का भी लास्ट टाइम चल रहा है और नवंबर का महीना भी चालू है। अभी आपको अगर एक नया लैपटॉप चाहिए या फिर आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, एक लैपटॉप आपको खरीदना है, आपका बजट है 35,000 रुपये के अंदर में, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 ऐसे बेस्ट लैपटॉप बताने वाला हूँ जिनके अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ देखने को मिलने वाले है। लाइक फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा, आपको 8 GB का रैम मिलेगा जिसमें आप 32 GB तक रैम को एक्सपांड कर पाओगे, 512 GB का NVMe.2 SSD देखने को मिलेगा, 4 Core and 8 Threads का प्रोसेसर भी उसके अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी लैपटॉप्स के अंदर फिंगरप्रिंट रहेगा, डुअल बैंड वाईफाई रहेगा, IPS डिस्प्ले रहेंगे, बहुत सारी कुछ आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वो 5 लैपटॉप कौन से हैं जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक आपको पूरा देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोजोलॉजी। अगर PC और लैपटॉप रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल में डेली देखने को मिलते रहते हैं। आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है RoyalKey.in। अगर आप 100% जेन्युइन ओरिजिनल कीज खरीदना चाहते हो अपने PC या फिर लैपटॉप के लिए, तो यहाँ पे RoyalKey.in आपको दे रहा है बिल्कुल जेन्युइन 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट की। इनके वेबसाइट पे आके अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा उनके सारे प्रोडक्ट्स कीज, जहाँ पे आपको विंडोज 10 प्रो का रिटेल की सिर्फ और सिर्फ 599 रुपया में या फिर विंडोज 10 प्रो का OEM की 550 रुपया में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही इजीली आप इनको बाय कर सकते हो। लाइक विंडोज 10 प्रो का अगर रिटेल की मैं बाय करने जाता हूँ तो यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा, देन यहाँ से डायरेक्ट आपको चेक इट आउट करना पड़ेगा एंड अपने सारे ऑप्शंस एंड डिटेल्स यहाँ पे भरने के बाद आपको सिर्फ प्रोसीड करना पड़ेगा। UPI के थ्रू आप बड़े आराम से यहाँ पे विंडोज के जो जेन्युइन कीज है इस वाले वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। अगर आप नया लैपटॉप खरीदते हो या फिर PC बिल्ड करते हो नया वाला, तो आपको की का जरूरत तो पड़ेगा, तो इस वाले वेबसाइट को चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वेबसाइट का लिंक देके रखा है, अगर मेरा कोड आप लगा लेते हो तो इंस्टेंट आपको 50 रुपया का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो अगर की परचेस करना है जेन्युइन प्राइस में तो चेकआउट द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ। तो देखो, पहले तो कुछ बातें बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ कर बैठते हो यार, ढूंढते नहीं हो सही से, और आप एक ऐसा लैपटॉप खरीद लेते हो जिसमें हार्ड ड्राइव रह जाता है, जिसमें SSD कम से कम यार 256 GB का तो होना चाहिए। बहुत सारे लोग 128 GB का भी SSD वाले लैपटॉप चूज़ कर लेते हैं और हार्ड ड्राइव वाले लैपटॉप को सबसे पहले स्किप कर लो, क्योंकि हार्ड ड्राइव आज से 10 साल पुराना टेक्नोलॉजी है, उसको अभी के टाइम में बिल्कुल यूज़ मत कर। ₹35,000 के अंदर में नंबर 5 में जो लैपटॉप आता है वो आता है डेल की तरफ से, डेल का 15 2021 वाला मॉडल। दोस्तों आज के वीडियो में जितने भी मैं आपको मॉडल बताऊंगा सारे के सारे लेटेस्ट है, 2021 में लॉन्च हुए हैं, और ये जो लिस्ट है ये अपडेटेड लिस्ट है, ऐसा नहीं पुराने लैपटॉप्स मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। ये जो लैपटॉप है आपको 15.6 इंच के स्क्रीन के साथ देखने को मिल जाएगा। डेल का जो डिस्प्ले होता है बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, यहाँ पे एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी मिलेगा, बेजिलिस डिज़ाइन है, और डेल के डिस्प्ले के अंदर जो कलर्स है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी सारे लोगों को पता है। परफॉर्मेंस में यहाँ पे आपको मिल रहा है Ryzen 3 3250U वाला प्रोसेसर, जहाँ पे आपको 2 Core 4 Threads देखने को मिल जाएंगे, Radeon Vega ग्राफिक्स इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अगर गेमिंग करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, आप एक स्टूडेंट हो, वीडियो एडिटिंग भी थोड़ा बहुत करना चाहते हो, तो इस लैपटॉप को बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। 8 GB का रैम मिलेगा जिसमें 3200 MHz का आपको स्पीड देखने को मिल जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी होता है रैम का 3200 MHz सबसे ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी माना जाता है। अभी के टाइम में इस लैपटॉप के अंदर आपको 256 GB का SSD दिया जा रहा है। 256 GB का SSD मेरे ख्याल से एनफ है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इस लैपटॉप में आपको विंडोज 11 मिलेगा, होम मिलेगा एंड ऑफिस मिलेगा 2021 वाला, एंड यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है इस लैपटॉप का वो भी बहुत ही बेहतरीन है। डेल की तरफ से आफ्टर सेल सर्विस भी इसका बहुत ही सही रहता है, एंड यहाँ पे ये जो लैपटॉप है आपको नम पैड के साथ देखने को मिलता है, कीबोर्ड चिकलेट कीबोर्ड है। अब नम पैड के साथ बहुत सारे ऐसे लैपटॉप आते हैं नहीं आते हैं, तो इस वाले लैपटॉप के अंदर आपको नम पैड मिल जाएगा। डेल के सेल सर्विस भी अच्छी रहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। सो अगर आप Amazon में चेक करते हो इसका करेंटली प्राइस अभी चल रहा है 33,890 रुपीज। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो ऑफ कोर्स जा सकते हो, जिनको डेल वाला लैपटॉप चाहिए उनके लिए ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है इस प्राइस रेंज के अंदर। डिस्क्रिप्शन में इस लैपटॉप का लिंक आपको मिल जाएगा। नंबर 4 में मैंने जिस लैपटॉप को रखा है वो आता है Asus की तरफ से, Asus VivoBook 15। दोस्तों ये वाला लैपटॉप भी 2021 वाला मॉडल है। मैंने जैसे कि बताया जितने भी लैपटॉप्स मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे नए मॉडल है और 2021 में लॉन्च किया गया है। इस लैपटॉप के अंदर भी आपको 15.6 इंच का एक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। बेशक Asus का लैपटॉप है और यहाँ पे जो स्क्रीन है बहुत ही पतला सा देखने को मिलेगा, जो बेजिल से देख सकते हो 83% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा, 200 nits का मैक्सिमम ब्राइटनेस है। अगर डिस्प्ले के ऊपर
जाना चाहते हो, मेरे ख्याल से डेल के बाद एसूस का डिस्प्ले ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इस लैपटॉप के अंदर आपको राइजन 3 3250U वाला प्रोसेसर मिलेगा, वही 2 कोर 4 थ्रेड्स, आपको परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा एंड रेडियन वेगा ग्राफिक्स इसके अंदर मिल जाएगा। सेम एज लाइक यहाँ पे आपको 8GB का रैम मिलेगा, 4GB प्लस 4GB। इस रैम के अंदर थोड़ा सा किस्सा है, यहाँ पे 4GB का जो रैम है वो ऑनबोर्ड है एंड बाकी 4GB जो है वो एक्सटर्नल लगा हुआ आता है। सो यहाँ पे टोटली आपको 8GB का रैम लैपटॉप में मिलता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ऑनबोर्ड रैम क्या होता है, ऑनबोर्ड का मतलब मदरबोर्ड के साथ लगा हुआ आता है, आप उसको कभी उखाड़ नहीं पाओगे। अब अगर आप एक्सटर्नल रैम के साथ इसको तुलना करते हो तो वो 40% फास्टर होता है, एक्सटर्नल रैम जो है वो स्लोअर होता है ऑनबोर्ड रैम से। सो यहाँ पे आपको 4GB का ऑनबोर्ड रैम मिल रहा है एंड बाकी 4GB का एक्सटर्नल रैम मिल रहा है। अब इसको अगर आप लेते हो ना, आपको 40% फास्टर एक्सपीरियंस तो रैम के मामले में मिल ही जाएगा, बाकी इसको अपग्रेड भी आप 16GB तक कर सकते हो। 256GB का NVMe M.2 SSD देखने को मिल जाएगा। M.2 SSD जो होते हैं बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। मैंने एक NVMe M.2 SSD का कुछ दिन पहले अनबॉक्सिंग किया था। अगर आप में से कोई M.2 SSD लेने के लिए सोच रहे हो, बाद में जाके लैपटॉप में लगाना होता है यार, तो आप इस वाले SSD को देख सकते हो। ये क्रूशियल की तरफ से आता है, क्रूशियल का P2 500GB का मैंने अनबॉक्सिंग किया, आई बटन में लिंक देता हूँ, जाके देख लेना। इस लैपटॉप के अंदर आपको विंडोज 11 मिल जाएगा, ऑफिस होम 2021 मिलेगा, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है इस लैपटॉप के अंदर एंड फिंगरप्रिंट रीडर आपको इस प्राइस के अंदर मिल रहा है। दोस्तों इस प्राइस के अंदर 2-3 गिने चुने ऐसे लैपटॉप आते हैं जिनमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, इस लैपटॉप में भी मिलेगा। 6 to 7 hours तक का बैटरी बैकअप यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड इस लैपटॉप के साथ एक चमक है, आपको इस प्राइस के अंदर एक एसूस का लैपटॉप बैग फ्री में मिल रहा है। इसका प्राइस अगर देखा जाए अमेजोन में आपको 33,809 रुपया में देखने को मिल जाएगा और 33,809 रुपया के अंदर आपको एक जो एसूस का बैग है जो कि 1500 से 2000 के अंदर में बिकता है वो फ्री में मिल रहा है। सो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हो। नंबर 3 में मैंने जिस लैपटॉप को रखा है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैपटॉप है अभी के टाइम में। अगर देखा जाए इस प्राइस के अंदर ये जो लैपटॉप आपको जो चीज़ें सजेस्ट करता है ना, वो मेरे ख्याल से दूसरे जो लैपटॉप सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, उन सारे में किसी में देखने को नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ ऑनर की तरफ से आने वाला ऑनर मैजिक बुक X15 का। ये जो मॉडल है ये थोड़ा सा 1-2 साल पुराना मॉडल है, बट इस प्राइस के अंदर जो जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है ना वो बिल्कुल लाजवाब है। मॉडल नंबर यहाँ पे आपको X15 मिलेगा, जहां पे 15.6 इंच का आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी इसमें मिलेगा, लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन है, बेजिललेस डिस्प्ले है देख सकते हो एंड TUV रिहान लाइन का सर्टिफिकेशन है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं TUV रिहान लाइन सर्टिफिकेशन क्या होता है, मैं बता दूं स्मार्टफोन के दुनिया में भी इसका सर्टिफिकेशन या फिर TV के भी दुनिया में इसका सर्टिफिकेशन रहता है। TUV रिहान लाइन एक प्रोसेस है जहां से जो लो ब्लू लाइट जो आपको रेज मिलता है ना आंखों में जाते हैं, आंख खराब हो जाते हैं, सो उसको पास करके आता है टेक्नोलॉजी जो जिस डिवाइस के अंदर आपको मिलता है, तो लो ब्लू लाइट जो आपको रेज है वो देखने को नहीं मिलेगा, आपके आंखों को सेफ रखेगा। सो इस लैपटॉप में भी वही टेक्नोलॉजी डिस्प्ले में मिलता है, ऊपर से IPS है, एंटी ग्लेयर है। सोच लो प्राइस इसका अगर देखा जाए अमेजोन पे 32,990 रुपया में मिल रहा है। i3 का 10 जनरेशन वाला ये लैपटॉप है, साथ ही साथ 8GB का रैम मिलेगा, 256GB का PCIe SSD देखने को मिल जाएगा, विंडोज 10 है एंड जो कि इसका सबसे ज़्यादा खास चीज़ है वो है फास्ट चार्जिंग, Type-C पोर्ट का फास्ट चार्जिंग इस प्राइस में कोई भी नहीं देता है भाई, जो कि ये लैपटॉप आपको दे रहा है। 65 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग आपको इसके अंदर मिल जाएगा, 59% चार्ज 30 मिनट्स में ये लैपटॉप कर देता है और जो 65 वाट का चार्जर है वो आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। इस लैपटॉप का जो बिल्ड है वो भी बहुत सही है भाई, 1.56 kg का ये लैपटॉप है, अगर ऑफिस के लिए लेना चाहते हो ना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। इस के अंदर एल्युमिनियम बॉडी देखने को मिलता है ऊपर में भी नीचे में भी, सो बहुत ही ज्यादा स्लिम है और इसका जो स्लिम फॉर्म फैक्टर है इसी के लिए बहुत सारे लोग इसको परचेस करते हैं। बाकी फिंगरप्रिंट रीडर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, सो फिंगरप्रिंट दबाने के बाद आपका जो लैपटॉप है वो अनलॉक हो जाता है। सो ऑनर की तरफ से आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं ऑनर का जो सर्विस है क्या वो मिलता है, ऑफकोर्स मिलता है, इंडिया में अभी तक बिक रहा है तो आपको सर्विस तो मिलेगा ही। आप थोड़ा यहां पे देख लेना अमेजोन के अंदर इसका प्राइस 32,990 रुपया है, मेरे हिसाब से भाई इससे ज्यादा अच्छा लैपटॉप इस प्राइस के अंदर कभी भी नहीं मिलेगा।
अब नंबर दो में मैंने जिस लैपटॉप को रखा है वो एसआर की तरफ से आता है, एसआर का एक्सटेंसा सीरीज में एसआर एक्सटेंसा 15 34,990 रुपया में बिकता है ये लैपटॉप। और इसको मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि मेरे को एक ऑलराउंडर लैपटॉप सजेस्ट करना था जो कि एक ऑलराउंडर है, सारा कुछ काम आग बंद करके आप जिसमें कर सकते हो। एसआर की तरफ से इस लैपटॉप में आपको 15.6 इंच का स्क्रीन मिलेगा जिसमें लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन है, बेजल जैसा देख सकते हो, एंटी ग्लेयर है, ऊपर से यहाँ पे एसआर का जो ब्लू लाइट स्टील टेक्नोलॉजी है वो भी देखने को मिल जाता है। उससे ज्यादा खास चीज तो यह है इसके अंदर फुल एचडी का आपको रिजोल्यूशन मिलता है डिस्प्ले के अंदर जो कि इसको सबसे खास बना देता है। बाकी इस लैपटॉप के अंदर i3 का 11 जेन वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि इसका और एक खास चीज है। एंड इस वाले प्रोसेसर के अंदर आपको 2 कोर 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। इंटेल का जो i3 का 11 जेन वाला लैपटॉप होता है ना वो मेरे ख्याल से इस प्राइस के अंदर आपको अदर कोई लैपटॉप में इतना कम प्राइस में ये प्रोसेसर नहीं प्रोवाइड करता इंटेल। सो इस चीज को ध्यान रखना इस प्राइस के अंदर आपको i3 का 11 जेन मिल रहा है। बाकी इंटेल का यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, 8GB का रैम है इसके अंदर भी, थोड़ा सा मतलब मामला है क्योंकि 4GB का ऑनबोर्ड रैम इसमें भी है, बाकी 4GB का एक्सटर्नल रैम इसमें है। अब ऑनबोर्ड रैम के बारे में आगे बताया सो ज्यादा कुछ नहीं बताना, थोड़ा फास्ट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इस लैपटॉप में 512GB का NVMe M.2 SSD देखने को मिलता है, 512GB का सोच लो 256GB नहीं है, सो थोड़ा सा बेटर यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा स्टोरेज के मामले में। 7 to 9 hours तक का सुपर बैटरी टाइम देखने को मिलता है इस लैपटॉप के अंदर, बैटरी टाइमिंग जो है बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा खास है। डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलेगा, नमपैड भी देखने को मिल जाता है। अगर आपको लगता है भाई इससे थोड़ा सा कम प्राइस में हम लोग लेना चाहते हैं, इसका एक अदर वेरियंट भी है 256GB वाला वेरियंट, आपको अगर 512GB नहीं चाहिए 256GB कम प्राइस में लेना चाहते हो तो यहाँ पे 3,000 रुपया लेस पे आपको और एक वेरिएंट इसका देखने को मिल जाता है। इन दोनों ही लैपटॉप्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। अब बात होता है नंबर एक में मैंने किस लैपटॉप को रखा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एक लैपटॉप को एक नंबर पे बिठाना। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मेरे को लगा कि नंबर एक में जो लैपटॉप है वो HP की तरफ से आने वाला HP 15S है। ये जो लैपटॉप है करेंटली प्राइस अभी इसका 2,000 रुपया ज़्यादा है, 35,000 से 2,000 रुपया, आई मीन 37,000 रुपया में ये अभी अमेजोन पे बिक रहा है। कभी कभार ये आपको 36,000 से लेके 35,500 के आसपास में भी देखने को मिल जाता है। इसको मैंने नंबर वन पे क्यों रखा अब अभी थोड़ा जान लो। इसके अंदर भी 15.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 250 nits का ब्राइटनेस इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा, फुल HD का रिजोल्यूशन है, एंटी ग्लेयर है, नैरो बेजल वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वही इसको नंबर वन पे लाने का सबसे ज्यादा खास चीज है। लाइक यहाँ पे आपको राइजन 3 5300U वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जहाँ पे आपको 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। बाकी के जो लैपटॉप्स मैंने आपको बताया उनमें ज्यादातर 2 कोर 4 थ्रेड्स थे, यहाँ पे आपको 2 कोर 2 थ्रेड्स देखने को मिलते थे, बट इस वाले लैपटॉप के अंदर आपको 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। ये लैपटॉप किन के लिए है मैं थोड़ा बता दूं, जो लोग वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, थोड़ा गेम खेलना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, वीडियो कॉलिंग करना चाहते हो, आप एक स्टूडेंट हो, आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो सकता है क्योंकि इसमें जो मोर कोर एंड मोर थ्रेड्स है वो आपको डेली लाइफ में सच में पता चलेगा भाई सच में ये बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में अच्छा काम करता है। बाकी रेडियन वेगा ग्राफिक्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा जो कि आपको गेमिंग में या फिर कोई वीडियो एडिटिंग रेंडरिंग में अच्छे से काम करवा के देता है। रेडियन ग्राफिक्स जो है इंटेल से बहुत ज्यादा फास्ट होता है, AMD के ग्राफिक्स हम सभी लोगों को पता है, मैं इससे पहले भी कह चुका हूं बहुत सारे वीडियो में। इसके अंदर भी आपको 512GB का एक NVMe M.2 SSD देखने को मिल जाएगा, 8GB का रैम है जो कि 3200 MHz में रन करता है, बाकी एक्स्ट्रा एक आपको स्लॉट भी देखने को मिल जाता है जिससे आप और 8GB का 3200 MHz का रैम लगा के इसको आप एक्सपांड कर सकते हो अप टू 16GB तक। अगर आपको एक्सपांड करना है तो आप यहाँ पे बड़े आराम से रैम को एक्सपांड कर सकते हो, आपको फ्यूचर में जाके कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग चाहते भी है भाई अपना जो लैपटॉप है उसको एक्सपांड कर पाए, सो यहाँ पे फैसिलिटीज तो आपको मिल जाते हैं। विंडोज 11 होम ऑफिस स्टूडेंट सारा कुछ मिल जाएगा 2021 वाला। एलेक्सा बिल्ट इन का सपोर्ट है जो कि इसको और खास बना देता है, आप वॉइस कमांड देके अपने लैपटॉप को ऑपरेट कर सकते हो। बाकी ड्यूल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, इस लैपटॉप के अंदर भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, आप इस लैपटॉप को फास्ट चार्जिंग से 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे डुअल स्पीकर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और HP
एचपी के लैपटॉप्स के जो आफ्टर सेल सर्विस होते हैं वो तो लाजवाब ही होते हैं। तो अगर इन पांचों लैपटॉप में से किसी को भी आप परचेस करना चाहते हो, आपको सारा लैपटॉप्स अच्छा ही देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने खुद रिसर्च करके इनको निकाला। सारे लैपटॉप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना, वीडियो पसंद आया वीडियो पे लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पास जिनको ये लैपटॉप्स चाहिए 35,000 रुपए के अंदर, वो लोग आराम से परचेस कर सकते हैं। चलिए गाइस, आज का वीडियो मैं यहां भी खत्म करता हूं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बाय द वे, सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।